आज हमें क्या करना है, ड्रो करना है। लेट्स ड्रो। तो आज हम क्या करेंगे, ड्राइंग बुक में ड्रो करेंगे वाटर एनिमल। ओके, ऐसे हमें वाटर ड्रो करना है। इसे आपको स्काई कलर लेके वाटर ड्रो करना है, और वाटर ड्रो करके हमें क्या करना है, उसमें वाटर एनिमल ड्रो करना है। ये हमने वाटर ड्रो किया, उसमें हमें क्या करना है, फिश ड्रो करनी है। फिर हम क्या करेंगे, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ड्रो करेंगे। ये क्या हुआ, ऑक्टोपस। फिर हम करेंगे स्टार फिश, सी स्टार, है ना, ये सी स्टार हुआ। और हम आज करेंगे जेलीफिश। देखो क्या किया ड्रो हमने, वाटर एनिमल्स। तो आपको भी ये ड्रो करना है। ओके, नाउ इट्स मैथ्स टाइम। मैथ्स टाइम में आज हमें स्मॉलेस्ट करना है। हमने बिगेस्ट किया था ना, वैसे ही अब हमें स्मॉलेस्ट करना है। ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, स्टार और ट्राइंगल्स। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। ओके, यहाँ पे स्टार दिए थ्री, और यहाँ पे थ्री ट्राइंगल दिए। यहाँ पे स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, यानी स्टार में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है। तो ये वाला मैंने सबसे छोटा स्टार बनाया है। ओके, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, ये स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके, अब हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी दिखाते हैं। ये स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा वाला क्या है, स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके, पता चल गया ना आपको, आप इसी तरह घर पे करना। ओके, और ऐसे आप ऑब्जेक्ट के साथ भी करके देखना। ओके, देखो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिए। ओके, ये इससे सबसे बिगेस्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सबसे बिगेस्ट है। ओके, और इन बाउल में कौन सा बिगेस्ट है, सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, येलो वाला। ओके, अब हम बिग, बिगर, बिगेस्ट करके देखेंगे। ओके, ये बिग, बिगर और बिगेस्ट, इसके अंदर क्या है, ये बिग, bigger and biggest. Okay? Now it's language time. आज हमें language time में S और T revise करना है। कौन से letter revise करना है, S और T. Capital S, small s. Capital S, small s. Capital T, small t. Capital T, small t. Small t और capital कैसे लिखना है वो देखेंगे। Capital S को थ्री लाइन में टच करके लिखना है। ओके, और small s को मिडल वाली ब्लू लाइन में लिखना है।
कैपिटल टी को भी सेम थ्री लाइन में टच करके लिखना है और स्मॉल टी को भी थ्री लाइन में टच करके ही लिखना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट। ड्रॉ मरीन प्लांट्स एंड कलर देम। आपको यहाँ पे मरीन प्लांट्स यानी जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं ना वो आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ कर फिर उसमें कलर करना है। ओके, चलो अब हम ड्रॉ करेंगे। जो पानी में प्लांट होते हैं ना वो हमें ड्रॉ करना है, उसको मरीन प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरीन प्लांट्स। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे प्लांट आपको ड्रॉ करना है और फिर उसमें आपको जो पसंद है ना प्लांट्स, कैसे कलर होते हैं ग्रीन पिंक ऐसा होता है ना, वो आपको प्लांट में कलर करना है। ओके, ट्रेस द लेटर्स कलर द ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट विथ द सेम लेटर साउंड। यहाँ पे जो आपको लेटर दिया है उसमें आपको पहले ट्रेस करना है, फिर वो लेटर है जैसे कि ये क्या है, एस, कैपिटल एस होता है और स्मॉल एस, तो ये कौन सा है? स्मॉल एस। तो एस से स्टार्ट कौन सा होता है? स्ट्रॉबेरी, एक्स स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी में हमें कलर करना है। टी, टी फोर क्या होता है? बटरफ्लाई होता है कि टोमेटो? टोमेटो, तो टोमेटो में हमें कलर करना है। स्मॉल एस, एस फोर कैट होता है कि सन? सन, तो सन में हमें कलर करना है। टी, टी फोर टेबल की बलून? टेबल, तो टेबल में हमें कलर करना है। सर्कल द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेट। यहाँ पे जो आपको रो दिया है ना उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा उसमें आपको सर्कल करना है। तो इन तीनों में से गिफ्ट बॉक्स में कौन सा है छोटा, स्मॉलेस्ट कौन सा है? यस, ये, तो इसमें आपको सर्कल करना है। ये जो बॉट है तो उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? ये नहीं, ये नहीं, ये, यस, तो इसमें हमें सर्कल करना है। बॉल, तो बॉल में हमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, स्मॉलेस्ट? यस, ये, तो इसमें आपको कलर करना है। ओके, लिसन एंड ड्रो। आपको सुनना है और ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं जो बोलूं वो आपको ध्यान से सुनना है। ओके, फिर आपने आपको ड्रॉ करना है। सन, सन, सन ड्रॉ करना आता है ना आपको, आपको अपने आप यहाँ पे सन ड्रॉ करना है। मून, मून, मून कब होता है स्काई में? रात को, आप जब सोने जाते हो ना तब मून आप देखते हो ना, मून, तो मून भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। स्टार, स्टार, स्काई में आप देखते हो ना स्टार, तो आपको यहाँ पे स्टार भी ड्रॉ करना है। ओके, सन मून एंड स्टार अपने आप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, ओके किड्स, नाउ इट्स फ्री प्ले टाइम। फ्री प्ले टाइम में आज हम क्या करेंगे? हमने पहले क्या किया था? आउटडोर गेम किया था, है ना? आउटडोर यानी जो आप लोग बाहर जाके खेलते हो, और ये है इंडोर गेम। इंडोर गेम यानी जो आप घर में बैठ के खेल सकते हो। तो देखो ये मेरे पास कुछ पजल्स है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, तो देखो पहले ये क्या है, सैंड वाला है ना, तो पहले सैंड ऐसी थी, पर हम लोग जब बीच पे खेलने जाते हैं फिर क्या करते हैं, इस तरह से बकेट और ये सब जो हमारा प्लेइंग का जो है ना सैंड प्ले वो लेके जाते हैं ना हम लोग, तो फिर उसके बाद हम लोग ऐसे क्या बनाते हैं, टेल मी माउंटेन, यस, फिर उसके ऊपर ऐसे फ्लैग लगाते हैं ना, तो पहले कैसा था इसे क्या कहते हैं, जो पहले ऐसे सिंपल होता था तो उसे क्या कहते हैं, बिफोर, एंड बिफोर के बाद आफ्टर, बिफोर आफ्टर,
बिफोर आफ्टर। उसके बाद ये गर्ल है, वो पहले एकदम सैड होके बैठी है। कैसी बैठी है? एकदम सैड। तो पहले वो कैसी है? सैड, है ना, यानी आफ्टर। और फिर उससे चॉकलेट मिल गई, उसके बाद कैसी हो गई? हैप्पी। तो चॉकलेट मिलने के बिफोर वो कैसी है? सैड। और मिलने के बाद यानी आफ्टर हैप्पी, है ना। तो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। देन आफ्टर क्या है? ये ऑरेंजेस। तो जूस निकालने के पहले वो पूरा होता है ना, हाँ। और जूस निकालने के बाद हम लोग पीते हैं, है ना, ठंडा ठंडा जूस। तो देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। वेजिटेबल्स हैं तो वो पहले कैसे होते हैं? वेजिटेबल्स हैं वो पहले कैसे होते हैं? पूरे होते हैं, यस, यानी बिफोर, पहले। और जब हम लोग उसे नाइफ से कट करते हैं तो वो कैसे कटिंग वाले हो जाते हैं ना, यस, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देखो ये बॉय है, उसने कॉम्ब किया है? नो। तो फिर जब वो कॉम्ब करता है तो कैसा हो जाता है? यस, बिफोर आफ्टर। ये कॉम्ब करने के पहले यानी बिफोर, और कॉम्ब करने के बाद यानी आफ्टर, बिफोर आफ्टर। उसके बाद हमारे ये टॉयज हैं, वो नीचे फ्लोर पे पड़े हैं। फिर हमने उससे, देखो ये रैक है, उसमें अरेंज करते हैं। तो कैसे हुआ? पहले नीचे गिरे थे, उसके बाद रैक में अरेंज किया, है ना। तो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। पहले हमारे क्लोथ्स कैसे होते हैं? डर्टी होते हैं, फिर मम्मा उसे वॉश करती है, उसके बाद क्लीन हो जाते हैं। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। जब आप लोग ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग बुक में पिक्चर्स हमें कलर के बगैर होते हैं, तो उसे कलर करने के बाद कैसे होते हैं? कलरफुल। तो बिफोर कलर एंड आफ्टर कलर, बिफोर कलर आफ्टर कलर। आज हमने क्या किया? बिफोर एंड आफ्टर। ओके किड्स, नाउ बाय बाय।